हेलो जी, कैसे हैं सब? नमस्ते। आवाज़ थोड़ी मेरी वैसी हो रखी है, आज मुझे जुकाम हो रखा है। और अभी अभी आपने जो ये वाइपर की फ़ोटो देखी है, एक गंदी और एक साफ़, ये मैंने कैसे साफ़ किया है वीडियो के आगे मैं बताती हूँ। वीडियो में आगे अभी मैं पौधों को थोड़ा सा पानी दे दूँ पहले, तब आपको दिखाऊँगी कि मैंने ये वाइपर कैसे साफ़ किया है। गर्मी इतनी पड़ रही है कि पौधे बिल्कुल ना दोनों टाइम पानी मांगते हैं। इतनी गर्मी है, सूख जाता है, बिल्कुल मुरझा जाते हैं बेचारे। क्या करें, गर्मी ही इतनी ज़्यादा है। तो चलो पहले पौधों को पानी दे देते हैं। इस बार ने आप देख लीजिए कैसा गार्डन है मेरा। गार्डन तो क्या कहूँ, बस पौधे लगा रखे हैं। अभी डेकोरेट तो नहीं कर रखे, गमले वगैरह। सोच रही हूँ कि गमलों पर पेंट कर लूँ, अच्छा सा पेंट हो गए, सुंदर से लगेंगे। रेड और येलो कलर का सोच रही हूँ कि कर लूँ, कुछ पे येलो कुछ पे रेड। तो देखती हूँ कब कर पाऊँगी, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अभी तो बस कोशिश करती हूँ इनकी केयर करने की, गर्मी है कि ताकि सूखे ना पौधे। और बस दोनों टाइम पानी ही दे देती हूँ, बाकी तो कुछ हो नहीं पाता है। थोड़ा बहुत कभी कभी खाद वगैरह भी लगा देती हूँ। और ऑलमोस्ट सभी तरह के प्लांट मेरे इसमें हैं, ये पूरी छत पे यहाँ रखे हैं। जो दो बालकनी है ऊपर, उनमें भी रखे हैं, और जो सबसे ऊपर वाली छत जहाँ झूला रखा है, वहाँ भी रखे हैं 8-9 गमले। चलिए पहले पौधों को मैं पानी देने का काम कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने वाइपर कैसे साफ़ किया है। और बिल्कुल 2 मिनट में हो गया है, बिल्कुल पुराना सा वाइपर, एकदम नए जैसा। तो चलिए देखते हैं आगे, वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। और वीडियो देखने के लिए मैं आपकी बहुत आभारी रहती हूँ, तो इसलिए आप प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। Thank you.
चलिए शुरू करते हैं। वाइपर को साफ़ करना, देखो कितना गंदा हो रहा है ये वाइपर। अब हम इसे साफ़ करेंगे। देखो ये रोप क्लीनर है जिससे मैंने बाथरूम साफ़ किया था ना, ये वही लिक्विड है रोप क्लीनर। ये मैं इस पर अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ, और आप छोड़ भी सकते हैं 1-2 मिनट इसको स्प्रे करके, नहीं तो आप इसको साथ के साथ ही, मैंने तो साथ के साथ ही रगड़ दिया था स्प्रे करने के बाद, मैंने छोड़ा नहीं। अगर छोड़ देंगे तो और अच्छा क्लीन हो जाएगा। तो मैंने तो जब लगाया तभी एकदम रगड़ के साफ़ कर दिया। देखो ये मेरे पास एक बेकार ब्रश पड़ा था, जो हमारे दांत साफ़ करने वाला ब्रश होता है, आप किसी भी ब्रश से कर सकते हैं। तो आप, मैंने इसको साथ के साथ ऐसे अच्छे से, देखो कितना भी मोटा मैल जम रहा था इस पर, सब एक बार में ही साफ़ हो रहा है। कितना जल्दी देखो ये काला काला निकल रहा है ना रगड़ने से। बहुत हल्के से हाथ से रगड़ रही हूँ, और मैं इसको, इसकी रबड़ भी एकदम चमक जाएगी। देखो उल्टी साइड से देखो आप, और अगर हम इसे साबुन लगा के करते ना तो ये इतनी जल्दी क्लीन नहीं होता, लेकिन ये रोप क्लीनर बहुत अच्छा है तो इससे जल्दी क्लीन हो जाता है। सारे एकदम प्लास्टिक ने भी और रबड़ ने भी गंदगी इतनी जल्दी छोड़ दी है, सारी एकदम क्लियर हो जाएगा। और ऐसा लग रहा था वाइपर साफ़ होने के बाद जैसे अभी मार्केट से इसको ख़रीद के लाए हो। देखो मैंने अब पानी डाल के धो दिया, देखो कितना सुंदर हो गया है। साफ चीज़ें रखी हुई भी अच्छी लगती है। ये ऊपर रखा था वाइपर, तो मैं ऊपर गई तो देखा बहुत गंदा हो रहा है, तो मैं ऊपर से नीचे ला के इसको साफ़ करके रख दिया है। हो गया ना एकदम नए जैसा। अब भी ऐसे ही इस मेथड से आप अपनी पटड़ी बाल्टी कुछ भी साफ़ कर सकते हैं। देखो कितना क्लीन हो गया। ओके बाय बाय, नमस्ते फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।